हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले मैथ्स का, जिसमें हम लोग पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। पहले हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसको जानेंगे हम लोग पहले। तो बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। वैसा इक्वेशन जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जहां पर ए बी एंड सी जो होगा आपका, वो क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा और ए इज इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए। ये मेन बात होना चाहिए, ए इज इक्वल टू, यहाँ ए जो है जीरो रहना नहीं चाहिए। हिंदी बात क्या बोलेंगे, वैसी समीकरण जो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के रूप में होता है, जहां पर ए बी सी क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होते हैं और ए इक्वल टू जीरो नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। या बोल सकते हैं हम लोग कि वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो, दो हो। वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री कितना हो, दो हो। हिंदी बात करें तो घात कितना हो, दो हो। पावर कितना हो, दो हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात करते हैं एग्जाम्पल देखते हैं लोग, 4x² प्लस 2x प्लस 3, इसका इक्वेशन कितना, डिग्री कितना है इसका, 2 है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। या फिर देखें कि ये जो है इसके फॉर्म में है कि नहीं, इसके फॉर्म में है, इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर, इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री यानी घात कितना है इसका, 2 है। तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसके फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ वाला बी एक्स वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला कोएफिशिएंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको 0x + 5। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए बोलते हैं इसको लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब बात करते हैं लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। जैसे मान लीजिए एक्स प्लस 4x² प्लस 3 इक्वल टू जीरो, क्यों बोलेगा आपसे कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका द्विघात समीकरण है, तो बोलेंगे हाँ द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करते हैं, जिसका डिग्री जो होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, उसको पहले लिखते हैं। जैसे इसका डिग्री कितना, 2 है, तो इसको फर्स्ट में लिखेंगे पहले, उसके बाद इसका डिग्री 1 है, तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद इसको लिखेंगे इक्वल टू जीरो। तो ये आपका होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मानक रूप बोलते हैं इसको। कुछ भी हो सकता है, 2x + 5 - x², इसको अगर लिखेंगे हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, -2x + 5 = 0। ये आपका जो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा इसका, ठीक। अब बात तुम लोग साइज 4.1, एनसीईआरटी का साइज 4.1, जिसमें लोग चेक करने बोल रहा है कि चेक वेदर द फ्लोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको चेक करना, हिंदी बोलते जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, ये सबको हमको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं, हमको चेक करना है। तो हम इसको देख करने बोल सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये कि नहीं, इसके लिए हमको इसको सॉल्व करना होगा। हिंदी बोलते इसको हमको सरलीकरण करना पड़ेगा, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमको पहले। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये देखेंगे ये किसके फॉर्म में है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में है, इसको हम तोड़ेंगे। हम जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये इसको यहाँ पर, यहाँ पर कहीं लिख सकते हैं आप, इसको इसको ब्रेक करेंगे, इसमें लोग तोड़ेंगे x² + 2ab, तो 2 × a का वैल्यू एक्स, × b का वैल्यू 1 + b², तो बी का वैल्यू कितना है 1, तो 1² इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो 2x हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये 2 बाहर में, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा, इससे भी और इससे भी, तो 2 3 जगह कितना हो जाएगा -6। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² का x² हो गया, और ये 2x इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को, तो 2 × 2 और मल्टीप्लाई करेंगे x, तो कितना हो जाएगा ये 2x + 1² 1 हो जाएगा, और ये सबको इधर लाते हैं, तो +2 इधर का हो गया -2x, और -6 इधर का हो गया +6, और बराबर किधर कुछ नहीं बचा तो 0। उसके बाद हम लोग ये देखें, ये कट जा रहा है, तो क्या बचा हमारे पास x², और ये बचा 6 और 1 7 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि ये आप इसको देख कर बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो बोलेंगे क्या ये इसका डिग्री कितना है, 2 है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं इसका क्या,
यहां पर लिख देंगे हम लोग कि सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में लिखेंगे क्या कि चूंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। बस इतने करना है, जो इसके फॉर्म में होगा वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। बस इतने करना है हमको सोल्व करके। ये आपका बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, वन मार्क्स पे पूछता है। इसको देखिए, इसको सोल्व करना है, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका, है वन का ही सेकंड है, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स तो सोल्व होगा नहीं, इसी भी इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से तो टू थ्री जा माइनस सिक्स, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो ये टू एक्स हो जाएगा, और सबको इधर ले आएंगे अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस प्लस टू एक्स का हो गया माइनस टू एक्स, और माइनस सिक्स का हो गया प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब देख रहे क्या कि ये जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, तो यहाँ पर सेम टू सेम लैंग्वेज लिखेंगे कि सिंस इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी लिखेंगे या इसके फॉर्म में है इसलिए द्विघात समीकरण है, सेम टू सेम लैंग्वेज यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री का। क्वेश्चन नंबर थ्री में भी स्फीयर के बोल रहा है कि इसको चेक करना हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो चेक करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना होगा, हमको सरलीकरण करना होगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे लोग, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, यहाँ हमारा क्लिक करेंगे एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे पहले किससे, एक्स से, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, फिर पूरे मल्टीप्लाई करेंगे वन से, तो फिर से एक्स माइनस टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से इज इक्वल टू, यहाँ पर काम करेंगे एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, फिर एक्स माइनस वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से हम, तो मल्टीप्लाई करते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो एक्स स्क्वायर, टू को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो टू एक्स, प्लस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो एक्स मिलेगा, टू को मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो माइनस टू मिलेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर एक्स को एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, प्लस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो थ्री एक्स, और थ्री वन जो थ्री, यहाँ से आपका जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस टू माइनस प्लस इलेक्ट्रम है तो माइनस प्लस माइनस, ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स और माइनस ये माइनस टू, इसको इज इक्वल टू यहाँ पर सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर ये इसका इलेक्ट्रम है तो माइनस प्लस माइनस थ्री एक्स में माइनस ये तो कितना हो जाएगा प्लस टू एक्स और माइनस थ्री, आप सबको इधर ले आएंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू ये प्लस इधर का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू इधर गया माइनस टू एक्स माइनस थ्री हो गया प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे पर ये एक्स स्क्वायर कट गया माइनस में ये प्लस में इसलिए कट गया और ये माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस यानी माइनस थ्री एक्स हो जाएगा ये, और ये आपका माइनस टू और प्लस थ्री, थ्री में से टू है तो प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं क्या ये इसका डिग्री कितना है, वन है, ये तो मतलब इसके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी लिखेंगे कि या चूंकि या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में नहीं है, इसलिए यह
द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर का। क्वेश्चन नंबर फोर जो है सेम टू सेम है, इसको सॉल्व करते हम लोग। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2x से, फिर x माइनस थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 से, इज इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x सिर्फ यहाँ पर है तो x दोनों समय पर करेगा, इससे भी इससे भी, तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और x को 5 से करेंगे तो 5x। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6x आएगा, और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो वही आएगा x माइनस थ्री आएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब यहाँ से 2x² ये लेक्टर्म दोनों है तो माइनस प्लस माइनस माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस 3, अब इसको इधर लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 5x का हो गया माइनस 5x, इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा जाए तो 0। अब देखो ये और ये लेक्टर्म है तो 2x² में से एक्स स्क्वायर गया कितना बचेगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस 5 ये वाला और ये वाला लेक्टर्म है तो माइनस माइनस दोनों के जगह प्लस हो जाएगा और माइनस 10x, और ये क्या बचा ये बचा तो माइनस 3 = 0। ये देख रहे हैं क्या x² + bx + c = 0 के रूप में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है। ठीक, अब पूरा लैंग्वेज लिखेगा इसको इस तरह, लैंग्वेज पर लिखेगा यहाँ पर। अब आते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो हम सेम टू सेम 4 जैसा, तो पहले क्या करेंगे लोग 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 - 3 से, तो यहाँ काम करेंगे लोग 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे लोग x से, ठीक, फिर प्लस, फिर 2x - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 से, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई फिर से वही काम करेंगे पूरे को x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, फिर प्लस x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस वन से। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 2x² आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 × 3 = 6x, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 × 1 = 3, इज इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो x कितना हो जाएगा x² एक्स को 5 से करेंगे तो 5x, प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो एक्स हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये 5 × 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे सॉल्व करते हैं कुछ और सा 2x² ये दोनों लेक्टर्म है तो माइनस माइनस प्लस तो माइनस 7x और प्लस 3 इज इक्वल टू x² ये दोनों लेक्टर्म है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये 5x में से एक्स कितना हो जाएगा 4x - 5, अब सबको इधर लेंगे तो यहाँ से 2x² - 7x + 3 प्लस इधर का हो गया -x² प्लस 4 इधर का हो गया -4x -5 इधर का हो गया +5 और इज इक्वल टू इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखेगा ये लेक्टर्म है तो 2x² में से x² गया कितना बचेगा यहाँ पर x², फिर 7x में से 4x गया तो कितना बचेगा, नहीं सही माइनस माइनस कर देगा ये प्लस हो जाएगा तो 7x + 4x कितना हो गया -11x और ये प्लस में तो कितना हो गया 5 + 3 = 8 इज इक्वल टू 0। तो ये देखने क्या x² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, इसलिए आप लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा है। देखिए x² + 3x + 1 इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, सिर्फ इसको सोल्व करना हमको, तो सॉल्व करेंगे तो ये किसके फॉर्म में है a - b² में, और जानते हैं हम लोग क्या कि a - b² क्या होता है a² - 2ab + b², तो यहाँ पर तोड़ेंगे इसको हम लोग इसके फॉर्म में तो a² मतलब x² - 2ab, 2 × a का वैल्यू ये ab का वैल्यू तो 2 का a × b का वैल्यू 2 + b² b का वैल्यू कितना है 2 तो 2 का² तो यहाँ सब का जगह x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² - इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 4x आ जाएगा ये 2 × 2 = 4x प्लस 2 का² 4। अब सबको इधर लेंगे हम तो x² + 3x + 1
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस में हो गया, माइनस फोर एक्स का हो गया प्लस फोर एक्स, और प्लस फोर का हो गया माइनस फोर इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा था तो जीरो। अब यहाँ देखिए क्या ये टर्म कट गया, अब ये और ये इलेक्ट्रम है तो इसको प्लस में भी प्लस में कितना होगा ये सेवन एक्स, और ये प्लस वन और माइनस फोर कितना होगा ये माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो ये देख रहे हैं क्या ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में नहीं है, ये इसके फॉर्म में रूप में नहीं है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब तुम लोग क्वेश्चन नंबर सेवन में, क्वेश्चन नंबर सेवन में देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म में, जानते हैं हम लोग कि ए यहीं पर कहते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो इसको हमको तोड़ना है, इसकी तोड़ना है हमको, तो इसको ब्रेक करेंगे क्या होगा ए का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब टू का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए कितना मेरे पास है एक्स, एक्स स्क्वायर स्क्वायर है तो हाँ इंटू बी का वैल्यू कितना है टू प्लस थ्री इंटू ए का वैल्यू कितना है मेरे पास एक्स और बी का वैल्यू कितना है टू और यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर देंगे और इज इक्वल टू इसको लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो टू एक्स, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो और एक कितना हो जाएगा तीन हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस माइनस टू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे फिर वन से तो टू एक्स बन जाए टू एक्स से आएगा। अब यहाँ देखिए एक्स क्यूब प्लस टू का क्यूब कितना हो जाएगा एट प्लस थ्री टू जा कितना हो जाएगा ये थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना होगा इसको टू का स्क्वायर कितना हो जाता है फोर और फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स का एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। अब सबको इधर ले आएंगे हम लोग तो यहाँ से एक्स क्यूब प्लस एट प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स ये प्लस में इधर का हो गया माइनस में टू एक्स क्यूब और माइनस में इधर का हो गया प्लस में टू एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो जीरो। यहाँ से सॉल्व करेंगे लोग लैक्ट्रम को देखेंगे ये और ये लैक्ट्रम है तो टू एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब उठाएंगे कितना हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब। अब ये इसका लैक्ट्रम नहीं है तो इसको वैसे लिख देंगे सिक्स एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ पर क्या इसका इलेक्ट्रम कोई है हाँ ये और ये इलेक्ट्रम है ये दोनों तो 12x प्लस 2x कितना होगा ये 14x हो जाएगा ये और प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 का 8 इज इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं क्या इसका डिग्री कितना है 3 है यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में ये नहीं है इसलिए क्या बोलेंगे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बोलेंगे लोग ठीक है। इसको लैंग्वेज लिख लीजिए आपको सिंस इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू जीरो सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी इक्वल जीरो के ऊपर नहीं है इसलिए यदि का समर्थन नहीं है ठीक। ए माइनस बी का होल क्यूब रहा तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी यहाँ पर हो जाता है फिर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। यहाँ पर वही काम करेंगे लोग सबसे पहले लोग इसको तो कुछ नहीं करना पड़ेगा हमको इज इक्वल टू इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब बी कितना मेरे पास है टू तो टू का क्यूब माइनस थ्री इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी बी कितना है टू प्लस थ्री इंटू ए का वैल्यू कितना है एक्स और बी का वैल्यू कितना है टू तो यहाँ टू का स्क्वायर है। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस टू का क्यूब कितना होगा एट माइनस थ्री टू जा कितना होगा ये सिक्स एक्स स्क्वायर और यहाँ सॉल्व करेंगे तो टू टू जा कितना होगा ये फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स सबको इधर लेंगे एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस एक्स क्यूब का हो गया माइनस एक्स क्यूब माइनस एट का हो गया प्लस एट माइनस सिक्स स्क्वायर इधर का हो गया प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व का हो गया माइनस ट्वेल्व एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं बचा तो जीरो। अब यहाँ से सोल्व करेंगे लोग तो ये देख रहे का कट जा रहा है और इसका लैक्टम ये है तो सिक्स एक्स स्क्वायर में से फोर स्क्वायर कटाएंगे तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर बचेगा फिर ये और ये इलेक्ट्रम है तो ट्वेल्व एक्स एक्स कितना हो गया माइनस थर्टीन एक्स हो गया। अब देख रहे ये और ये इलेक्ट्रम है तो एट प्लस वन कितना हो गया नाइन इज इक्वल टू जीरो। अब देख रहे हैं इधर क्या
ये जो आपका है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, क्वार्टिकेशन बोलेंगे इसको हम लोग, इसको द्विघात समीकरण बोलेंगे हम लोग। ठीक, थैंक यू।